मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी चुनाव का माहौल चल रहा है और हम पहुंच गए हैं यूपी के एक बहुत ही बड़े जगह पे जहां की अखिलेश यादव के वोटिंग का गढ़ माना जाता है और यहां से उनकी वाइफ डिम्पल जी भी कुछ दिन पहले चुनाव लड़ी थी लेकिन वो चुनाव में हार गई थी। हमारे साथ कुछ यहाँ जनता मौजूद है और हम उनसे जानने की बात कोशिश करेंगे कि इस बार यूपी की क्या मूड है, क्या चाहते हैं लोग, किसकी सरकार लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील वैस। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज के। ये बताइए इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? भाजपा। भाजपा लाना चाहते हैं? लोग तो कहते हैं यहाँ से अखिलेश की वोटिंग का गढ़ है। अखिलेश ने कन्नौज के लिए प्रॉपर क्या किया है? अखिलेश ने कन्नौज के लिए कुछ किया ही नहीं है, बाहर किया, तिरबा में किया है या प्रॉपर कन्नौज में कुछ किया हो बताइए आप। प्रॉपर कन्नौज में तो कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ 3 विधानसभा है और यहाँ से अखिलेश जी की सरकार जीती भी है एक सीट पे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या करते हैं विधायक जी, कुछ काम हम करते हैं यहाँ पे? विधायक जी से जो कहा जाता वो कर देते हैं, नहीं वो करते ही नहीं, कुछ नहीं करते। 5 सालों में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो इस बार क्या करना है, साइकिल दौड़ाना है कि कमल खिलाना है? कमल खिलाना है, खिल गया है, कमल खिल गया है। हाँ चलिए, हमारे पीछे चाचा लोग भी मौजूद है और हम उनसे बात करने की प्रयास करेंगे। उनका क्या कहना है, कमल खिलाना है कि साइकिल दौड़ाना है? क्या नाम है चाचा आपका? कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। नाम क्या है आपका, पहले नाम बताइए। उपेंद्र कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए काहे कमल खिलाना है, साइकिल काहे नहीं दौड़ाना है? इसमें जी ये ईमानदार पार्टी है, ये सब समान करती है, गरीबों का हमदर्द है। और इससे पहले ये सपा सरकार बनी रही उसमें गुंडागर्दी अधिक थी। हाँ, अब इस सरकार ने 5 साल में जो कुछ भी किया है सभी को मालूम है क्या किया है। चलिए इधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टिंकू तोमर। आप तो युवा पीढ़ी लगते हैं। ये बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं, वोट देते हैं? तो भाजपा की सरकार चाहता हूँ। भाजपा की चाहते हैं? अच्छा, अरे यार सब तो बोल रहे हैं अखिलेश के राज में हमको रोजगार मिला है और आप भाजपा की सरकार चाहते हैं? हमें तो ये योगी की सरकार में रोजगार मिल रहा है। सरकार मिला अखिलेश जी पसंद नहीं है? नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मतलब साइकिल नहीं दौड़ाना, कमल खिलाना है? कमल खिलाना है। बहुत बढ़िया। ये बताइए भाजपा की ऐसी 5 काम बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। देखो, एक तो गुंडागर्दी, चाहे कितने टाइम चले जाइए, चाहे कितने दिक्कत नहीं, और कोई लड़कियां को नहीं छेड़ता है। और एक तो पढ़ाई चल रही है ठीक, सही चल रही है पढ़ाई, ठीक चल रही है। छात्र तो बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं निकल रही है, बेरोजगार हो गए हम लोग, कोरोना के चक्कर में क्या कर सकते हैं। तो कोरोना 2 साल से है ना, सरकार तो 5 सालों से है, फिर से चुनाव होने जा रहा है, 2 सालों से कोरोना का महामारी है, क्यों नहीं है? 2 सालों से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं दीजिए रोजगार बच्चों को? और कितना रोजगार चाहिए सर? रोजगार मिला है? क्या करते हैं आप? मैं तो अपना बिजनेस डाला हूँ। बिजनेस डाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ और कुछ लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नैन मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के लोकल। अच्छा, ये वोट करते हैं आप? जी। किसकी सरकार चाहिए आपको? भाजपा। भाजपा की चाहिए, क्यों भाई? बढ़िया है। बढ़िया होने की जरा कारण बताइए हमें। क्यों नहीं है तो बताइए, क्यों चाहिए भाजपा की सरकार? गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और भी तो कामें हैं। नहीं तो आप जनता के पास जाइए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी 2 साल कोरोना में गए हैं सरकार के। भाई तो कोरोना 2 सालों से, 3 सालों से सरकार क्या कर रही थी? तो सरकार तो 5 साल रही है, कोरोना तो 2 साल रहा। ठीक, इससे पहले सब कौन थे? बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन इतना लोग इतने परेशान नहीं थे। बाद ही तो बेरोजगारी आ गई। क्या महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई भी है लेकिन उसे भी समय आने पर देख लिया जाएगा। समस्या क्या करते हैं आप जी? आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन प्यारे है। वोट देते हैं आप? हाँ, मोदी को वोट देंगे। मोदी को देंगे? काहे भाई, मोदी को काहे देंगे? यहाँ वो राशन फ्री, गेहूँ फ्री, हम अच्छा करता है। अच्छा, और अखिलेश कुछ नहीं करता? अखिलेश कुछ नहीं करता, आराम ही है वो। यहाँ से तो उनकी औरत भी चुनाव लड़ी थी। बात मैंने मतलब है, हमें बता दिया था अखिलेश ने। इस बार योगी चाहिए? हाँ, योगी ना चाहिए, मैं चाकिल के दही है। एकदम मूड बना लिए। हाँ, चाकिल दही है वो। चलिए बहुत बड़ी।
यहाँ तो सभी लोग बोल रहे हैं कि हमें भाजपा की ही सरकार चाहिए। इस बात से साफ प्रूफ होता है कि ये जो यहाँ की जो ये बात कहा जाता है कि यहाँ अखिलेश यादव जी की वोटिंग की गढ़ है, ये यहाँ के मौजूद लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ अखिलेश जी की वोटिंग की गढ़ नहीं बल्कि अब योगी जी की बन गई है। और यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो योगी जी को वोट करना चाहते हैं और उनकी सरकार लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।